लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज सभी राज्य के विधानसभा अध्यक्षों की मैराथन बैठक रही। क्या रहा इस बैठक में खास, इसी को लेकर उत्तर प्रदेश से विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, मैराथन बैठक थी आज की, दो भागों में ये बैठक रही, अगर पूछा जाए तो किन किन मुद्दों पर आज जो है ये बैठक रही? देश से जुड़े अधिकांश मुद्दों की चर्चा और उन पर विमर्श लोकसभा में, विधानसभा में, भारत के विधायी सदनों में होता है। ऐसे विमर्श के दौरान प्रायः सदन में बाधा के अवसर आते हैं और उस बाधा के कारण मूलभूत विषयों से लोगों का ध्यान हटता है। इस दृष्टि से कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन नाम की संस्था के अधीन माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने आज बैठक बुलाई थी। देश के अधिकांश राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष उसमें उपस्थित थे। सदन की कार्यवाही में बाधा न पड़े, इस दृष्टि से बहुत लंबा विचार विमर्श हुआ और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने घोषणा की है कि हम एक कमेटी बनाएंगे जो सभी पहलुओं पर विचार करेगी, सभी विधानसभा अध्यक्षों से बात करेगी, विधान परिषद के सभी सभापतियों से बात करेगी और सांसदों से बात करेगी, और ऐसी वार्तालाप के बाद कोई निष्कर्ष निकलेगा, ऐसा हम लोग मानकर चलते हैं। सर, एक सवाल कानूनी प्रक्रिया को लेकर, उत्तर प्रदेश से आप हैं, विधानसभा स्पीकर भी है, ऐसे में सर अगर देखा जाए तो कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के द्वारा कानून को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ कहते नजर आते हैं कि उन्होंने कानून पर पूरी तरीके से जो है अपराध पर शिकंजा कस लिया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि हत्या प्रदेश बन चुका है। मायावती का कहना है कि बच्चा चोरी की जो दहशत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, बेगुनाह लोगों को पीटा भी जा रहा है। संसदीय जनतंत्र है, माननीय अखिलेश जी को पूरा अधिकार है कि वह राज्य की कार्यपालिका के विषय में अपने विचार व्यक्त करें। ऐसे ही आदरणीय मायावती जी को अधिकार है कि वह अपने विचार व्यक्त करें। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का प्रश्न है, योगी जी सक्षम हैं, जागरूक हैं, सजग हैं, उनकी नीति और नीयत की तरफ ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने तमाम पुलिस अधिकारियों को, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को उनके काम के लिए दंडित भी किया है, उन पर कार्यवाही भी की है, और जहाँ कहीं कोई घटना होती है तत्काल गिरफ्तारी होती है, तत्काल कार्यवाही होती है। इसके बावजूद विपक्ष को पूरा अधिकार है को अपनी बात कहे। शुक्रिया सर, आर9 टीवी से खास बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं भावना, आर9 टीवी दिल्ली।